यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। एफ ऑफ जेड जो है आपके पास वो है वन अपॉन जेड इंटू ई की पावर जेड माइनस के वन। मेरे पास होता है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। मैंने इस एक्सपेंशन को खोला, खोलने के बाद अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश की, अभी आपको बता रहा हूँ, रुको एक बार आप। तो यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट निकल करके आएगा वो ये होगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड, तो ये हुआ ई की पावर जेड का एक्सपेंशन वन प्लस के जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस जेड की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन माइनस का वन। इस वन से वन कैंसिल, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली वन अपॉन जेड इंटू, यहाँ से जेड कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद कितना बचा वन प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, ये बना एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये बन चुका, और इस टोटल की पावर ऊपर जाने के बाद हो जाएगी माइनस वन प्लस जेड अपॉन टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन की टोटल पावर माइनस के वन। मेरे पास फार्मूला होता है वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन इज इक्वल टू कितना होता है वन माइनस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर थ्री, द्विपद पर में होता है, आप जानते हो, लिख भी रहा हूँ, पाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ूँगा मेरा जो रिज़ल्ट निकल करके आएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये है ही पूरे का पूरा एक्स है, ये कितना निकल करके आएगा वन माइनस ये